हाय दोस्तों, वेलकम टू सैनू रियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रेलवे की हर अपडेट पाने के लिए सैनू रियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करने में आप बहुत कंजूसाई कर रहे हो, तो दोस्तों मेरा मन नहीं करता है न्यूज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त नरेंद्र पंचाल फिर आपके मध्य अपने प्रगतिशील विचारों के साथ में उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, आज इस ऑडियो क्लिप को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अपने केस और अपने स्टेटस के बारे में बताना। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, और नहीं पता तो इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा या आपको मालूम पड़ेगा। आप सभी को 19 अप्रैल को अपना PIL का डायरी नंबर मिल चुका है, जो इस प्रकार है 12153/2022। ये डायरी नंबर बताने के पीछे साथियों एक ही मकसद है, ताकि आप फोन कॉल के माध्यम की बजाय अपने ऑनलाइन स्टेटस से सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके अपना स्टेटस चेक कर पाए। ये तो हुआ दोस्तों आपके मामले से संबंधित अपडेट। फाइनली सुनवाई की तारीख का जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार है और लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस PIL के निर्णय का, उन साथियों से मेरा गुजारिश है कि आपकी अभी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। फाइनली जो नए साथी अपने से जुड़े हैं, अभी मुश्किल से एक सप्ताह भर के अंदर जितने साथी अपने से जुड़े हैं, यानी कि 19 अप्रैल डायरी नंबर मिलने के बाद जो साथी अपने से जुड़े हैं, उन साथियों का अभी सूची में नाम दर्ज करवाया जाना है। तो ऐसे साथियों की सूची जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को अभी प्राप्त हुई है, फाइनली वो 3 मई यानी कि ईद का त्यौहार, अतः मैं ईद के त्यौहार की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है, जिससे एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। और ये केस भी आपके अंदर, मैं चाहता हूं कि एकता मंच जो आपको दिया है, आपकी भाईचारे की भावना को बरकरार रखे, आपसी भाईचारा बना रहे। साथियों, फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि 3 मई जो ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, उससे अगले दिन नए लार्जेस्ट कैंडिडेट्स का जो सूची बना है वो सूची सबमिट हो जाएगा ईद से अगले ही दिन, और आपको 10 मई से पहले पहले आपका सुनवाई का तारीख मिल जाएगा। अतः साथियों, जो कोई साथी बाकी रह गया है, फाइनली वो ईद के दिन तक अपने से जुड़ सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो केवल इतना ही बताना मेरा उद्देश्य था। आप ये ना सोचे, कुछ साथीगण सोच रहे हैं कि हम बहुत पहले जुड़े थे, हमारे को देरी हो गया। नो, ये आपका सौभाग्य है कि फाइनली कुछ लोगों को अभी भी एक गोल्डन चांस मिला है, और ये 2 दिन भी आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आपके बेरोजगार जीवन को रोजगार दिला सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे और तत्काल प्रभाव से अपना संगठन को मजबूत करके यूनियन से जुड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, जय धन्यवाद।